सुविधा अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि ने जनता को नहीं दिया। इसे हमें मेट्रो सिटी बनाना है, इसे एजुकेशन हब बनाना है, इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एमबीए कॉलेज वगैरह बनाना है, यहाँ पर आईटी सेक्टर को खोलना है इस एरिया में, ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़े। बहुत मतों के अंतर से जीत रही हूँ और जनता का रुझान देखकर ही पार्टी ने टिकट दिया। विधायक बनेगी तो उसे प्राथमिकता मिली, यह समस्या ही समस्या है। हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। पिछले 30 साल लगभग जनता ने जिस विधायक को दिया है, उन्होंने ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया कि जनता कह सके कि हाँ ये काम अच्छा हुआ। इसलिए हमें शुरू से लेकर अंत तक इसे संवारना है। डेमोग्राफी रांची में भी बदल रही है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सब चुनावी जुमला है। चुनावी मंत्री नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। हम एक ही बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से रांची की उम्मीदवार महुआ माझी हमारे साथ खास बातचीत के लिए। आज आपका रोड शो है, अपार बहुमत मिल रहा है। चलिए चलिए वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। जल्दी जल्दी बोलिए, क्या कहेंगे? अपार समर्थक मिल रहा है। बिल्कुल, मैं जनता का शुक्रिया अदा करूंगी यहाँ के सभी लोगों को, क्योंकि उनका इतना प्यार, इतना विश्वास हमें मिल रहा है। क्या कैसे देख रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं क्षेत्र में, कितना देख पा रहे हैं? हर वर्ग में बहुत रुझान है हमारी तरफ, हमारी सरकार की तरफ, और सब लोग चाहते हैं कि रांची में बदलाव हो और काम करने वाले कोई आए बड़े विजन के साथ। पिछले बार 5,000 वोट से आप पीछे रह गई थी, इस बार कितना संघर्ष? 50,000 वोट से जीतूंगी ऐसा टारगेट। आप राज्यसभा सांसद भी रही जी, अब आप विधायक के चुनाव लड़ रही है, क्या लगा, क्यों लगा? मुझे अपने अपने राज्य से प्यार है, अपने क्षेत्र से प्यार है, और हमारी पार्टी ने हम पर विश्वास किया है। पिछली बार बहुत कम अंतर से मैं सेकंड पोजीशन में थी, इसलिए सबको लग रहा है कि शायद मैं, शायद नहीं, एक्चुअल में मैं इस बार जीत रही हूँ। बहुत मतों के अंतर से जीत रही हूँ और जनता का रुझान देखकर ही पार्टी ने टिकट दिया। लंबे समय से आप रांची के लोगों के बीच रही हैं, हर सुख दुख में रही हैं। हमने भी देखा है कि कोई भी कार्यक्रम हो, छोटा बड़ा आप जाती हैं। क्या देख पा रही, बड़े मुद्दे क्या है रांची के, जो लगता है कितने सालों में नहीं हुए वो होने चाहिए? महुआ माझी जीतेगी तो सुविधा अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि ने जनता को नहीं दिया। इसे हमें मेट्रो सिटी बनाना है, इसे एजुकेशन हब बनाना है, इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एमबीए कॉलेज वगैरह बनाना है, यहाँ पर आईटी सेक्टर को खोलना है इस एरिया में, ताकि यहाँ के युवाओं को बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़े, यहीं पर उनका उन्हें काम भी मिले। यहाँ पर छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, जल जमाव, नाली का पानी अंदर घर में घुसना, और इन तमाम चीजों को हम लोग को दुरुस्त करना है। इससे बड़े विजन के साथ हम यहाँ आ रहे हैं। झारखंड की राजधानी है रांची, बड़ी समस्या क्या है महुआ माझी की नजरों में, और आप विधायक बनेंगी तो उसे प्राथमिकता मिली? यह समस्या ही समस्या है, हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। पिछले 30 साल लगभग जनता ने जिस विधायक को दिया है, उन्होंने ऐसा कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया कि जनता कह सके कि हाँ ये काम अच्छा हुआ। इसलिए हमें शुरू से लेकर अंत तक इसे संवारना है। डेमोग्राफी रांची में भी बदल रही है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सब चुनावी जुमला है। चुनावी